हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सॉल्यूशन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको क्या करना है, आपको जनरल एंट्रीज करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और रिवाइज बैलेंस शीट आपको बनानी है। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट गिवन है, ओल्ड रेशियो बता रखा है आपको 4:3 है, जिसपे पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। बट हुआ क्या, 1 अप्रैल 2016 से अब उनकी न्यू रेशियो है 2:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हुआ, चेंज हुआ। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे चेंज हुआ तो कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बता रखा है कि फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट हुए हैं 10% से, प्रोविजन आपको कैलकुलेट करना है डेटर्स पर 6% पे, स्टॉक की वैल्यू जो है वो अब 1,90,000 हो गई है और 3,700 रुपीज की जो लाइबिलिटी थी वो अब हमें पे नहीं करनी है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि यहाँ पे हमें रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। बैलेंस शीट में आपको 42,000 के रिजर्व गिवन है, जिसको आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बट हाँ इसकी एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ पे जिन जिन पॉइंट्स की बात हो रही है उनके अमाउंट को आप देख लीजिए। क्रेडिटर के अमाउंट है 28,000, डेटर है 1,20,000, कैश है 20,000, स्टॉक 1,40,000 और फिक्स्ड एसेट 1,50,000 है। तो इन्हीं ट्रांजेक्शन पे, इन्हीं अमाउंट पे आपको काम करना होगा। आप चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रिजर्व के एडजस्टमेंट करेंगे, जो कि 42,000 रुपीज थी। ओल्ड रेशियो आपको 4:3 गिवन है, न्यू रेशियो आपको 2:1 गिवन है। तो यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पता होगा। तो एक्स का करेंगे कि एक्स को गेन हुआ है कि सैक्रिफाइस किया है एक्स ने, तो ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कीजिएगा, 4/7 - 2/3 करेंगे तो ये आपका -2/21 आएगा। इसका मतलब एक्स ने गेन किया है और वाई ने क्या करा है, सैक्रिफाइस किया है। आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है तो यहाँ पे आपको +2/21 आएगा, तो मतलब कि y ने सैक्रिफाइस किया है। यहाँ पे अब आपको ये अमाउंट पता करना है कि कितना x ने गेन किया और कितना y ने सैक्रिफाइस किया है। अब x ने गेन करा है तो इसका अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि x y का शेयर खरीद रहा है तो x को डेबिट करना होगा, x को उतनी पेमेंट y को देनी होगी। तो यहाँ पे कितनी पेमेंट देनी होगी, 2/21 × 42,000 करेंगे, जो कि रिजर्व का अमाउंट था 44,000 रुपीज आएगा। तो 4,000 रुपीज x को आपको डेबिट करने हैं और y को कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा, 4,000 रुपीज के अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पे जो आपकी एंट्री होगी, जिसको गेन हुआ है वो आपको डेबिट करना है और जिसने सैक्रिफाइस किया है उसको क्रेडिट करना है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री होगी। नरेशन में मेंशन कीजिएगा रिजर्व आर एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से आपको पहले जनरल एंट्री करनी है। अब देखिए आगे किस तरीके से होगा क्वेश्चन, क्योंकि आगे और भी जनरल एंट्री है। अब हमें 4 पॉइंट्स और गिवन थे क्वेश्चन में, जिसकी आपको जनरल एंट्री करनी है और साथ के साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको बनाना है। अब सबसे पहले हमें गिवन था फिक्स्ड एसेट आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो डेप्रिशिएट हो गया मतलब कि एसेट क्या हो गए, कम हो गए। जब भी एसेट कम होंगे तो आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा। जब भी आपके फिक्स्ड एसेट डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होता है। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 15,000 डेबिट साइड, 15,000 क्रेडिट साइड। अब आप पूछेंगे 15,000 अमाउंट कैसे आया, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का अमाउंट ना बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में हमारा जो गिवन था 1,50,000 का था, जिसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 आएगा। तो डिक्रीज हुआ एसेट में तो आपको किस साइड मेंशन करना है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना है, टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट लिख के 15,000 रुपीज। इसके बाद प्रोविजन भी आपको बनाना है 6% डेटर का। तो फिर हमसे हमारे डेटर्स क्या है, एसेट है, डिक्रीज हुए हैं, तो ये आपको किस साइड मेंशन करना है, ये आपको डेबिट साइड ही मेंशन करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसकी जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 7,200 डेबिट साइड आएगा और 7,200 ही क्रेडिट साइड आएगा। ये आपका 7,200 कैसे आया, क्योंकि आपको जो अमाउंट गिवन था ना वो कुछ 1,20,000 का गिवन, तो जो 7,200 रुपीज आया ये आपको 1,20,000 गिवन था डेटर्स में बैलेंस शीट में, उसका 6% कैलकुलेट करेंगे तो 7,200 ही आएगा। अब इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन कीजिए, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख के 7,200 रुपीज मेंशन कर दीजिए। इसके बाद आपका आपको बता रखा है कि स्टॉक जो है 1,90,000 के हो गए हैं, तो थे कितने के, 1,40,000 के थे, तो इंक्रीज हुए हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट मेंशन करना होगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 50,000 डेबिट साइड, 50,000 क्रेडिट साइड में मेंशन कीजिएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा 50,000 रुपीज। तो ये थर्ड पॉइंट की भी जनरल एंट्री होगी है।
सिंपल सी बात है, देखिए जब भी जो चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगी तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, जो चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगी तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है, ये चीज ये आपको समझनी है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में 3700 रुपीज की लाइबिलिटी थी जो पे नहीं करनी है, तो इसमें क्या हुआ कि लाइबिलिटी का अमाउंट क्या हो गया हमारा, लाइबिलिटी का अमाउंट हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब भी लाइबिलिटी का अकाउंट डिक्रीज अमाउंट डिक्रीज हो जाता है तो हम क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं, तो यहाँ मेंशन कीजिएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3700 रुपीज का अमाउंट डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे आपको बाय संदरी क्रेडिटर लिख के 3700 रुपीज क्रेडिट साइड मेंशन करना है। बस ये चार की आपको जनरल एंट्री करनी थी और रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना था। अब आपको पता करना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल है 53,700, जिसमें से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो टोटल प्रॉफिट होगा आपका 31,500 का, जिसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट में, जो कि 18,000 एक्स के कॉलम में आएगा और 13,500 वाई के कॉलम में आएगा। याद रखिएगा ये 31,500 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है आपको। यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, डेबिट साइड भी इक्वल आ जाएगी, क्रेडिट साइड भी इक्वल आ जाएगी। अब इसकी एक जनरल एंट्री भी आपको करनी है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की आपको जनरल एंट्री करनी होगी, वो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड मेंशन हुआ है ना प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, अमाउंट को आप इजिली फिल कर देंगे, 31,500 का प्रॉफिट था, 18,000 कैपिटल अकाउंट में एक्स के जाएंगे और वाई के कैपिटल अकाउंट में 13,500 जाएंगे, तो यहाँ पे तो हमारी जनरल एंट्री हो गई है कंप्लीट। अब बनाना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी कैपिटल है, एक्स की कैपिटल है 2,50,000, वाई की कैपिटल है 1,20,000। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट हुआ है वो भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है, 18,000 एक्स के कॉलम में और 13,500 वाई के कॉलम में, ये आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से पता चल जाएगा। इसके बाद आपको बाय एक्स कैपिटल लिख के वाई के कॉलम में 4,000 रुपीज क्रेडिट करने हैं, क्योंकि वाई को 4,000 रुपीज दिए हैं किसने, एक्स ने दिए हैं। जब रिजल्ट की जनरल एंट्री की थी तब मैंने आपको समझाया था ना कि एक्स को क्या हुआ, एक्स ने वाई को 4,000 रुपीज दिए हैं, तो यहाँ पे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट लिख के वाई के कॉलम में आपको 4,000 रुपीज मेंशन करने हैं, क्योंकि जनरल एंट्री ये थी एक्स को गेन हुआ था, तो गेन हुआ था तो एक्स ने क्या करा, एक्स के अकाउंट को डेबिट किया था हमने। अब डेबिट किया था इसलिए डेबिट किया था क्योंकि 4,000 रुपए एक्स ने क्या करे हैं, वाई को पे करे हैं, तो इसलिए आपको वाई के कॉलम में 4,000 रुपए मेंशन करना है। और यहाँ पे आपको टू वाई कैपिटल अकाउंट लिख के एक्स के कॉलम में 4,000 रुपीज मेंशन करने हैं। अब आपको टोटल करना है, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड का टोटल जो होगा 2,58,000 एक्स के कॉलम में होगा, 1,37,500 वाई के कॉलम में आएगा, तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करनी है डेबिट साइड, टू टू बैलेंस कैरी डाउन लिख के 4,000 जब माइनस करेंगे 2,58,000 में से, ये आपका 2,54,000 आएगा और वाई के कॉलम में 1,37,500 आएगा, तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब याद रखिएगा जो टू बैलेंस कैरी डाउन है ना, एक्स का है 2,54,000 और वाई का है 1,37,500, तो ये आपका जब बैलेंस शीट बनाएंगे, अब रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे आपको चेंजेस भी करने होंगे। अब देखिए रिवाइज बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हम यहाँ पे याद रखिएगा रिवाइज बैलेंस शीट जो बनाएंगे, जो चीज सेम थी उसको तो आपको कुछ करना ही नहीं है, मतलब कि जिसकी हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी थी, जिसकी कोई जिसको कुछ रिवैल्यूएट करने के लिए नहीं बोल रखा था एसेट और लाइबिलिटी को, तो उसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना, उसको सिंपली लिखना है। अब सन्द्री क्रेडिटर हमारे 28,000 रुपीज थे, हमने यहाँ पे पता करा था 3700 से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है, तो मतलब कि यहाँ पे आपको चेंज करके लिखना होगा अमाउंट में 24,300, क्योंकि कम हो गई है तो 28,000 में से 3700 आपको माइनस करने होंगे। सेम इसी तरीके से रिजर्व 42,000 है, जो कि हमारे हमें बताया था क्वेश्चन में कि वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करने, तो ये सेम ही रहेगा। कैपिटल अकाउंट में मैंने अभी बताया कि किस तरीके से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको लिखना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो भी आपने कैरी डाउन किया था बैलेंस को वही अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है, आप कैपिटल अकाउंट से देख के इजिली लिख सकते हैं। तो टोटल अमाउंट है 3,91,500 का, कैश में 20,000 आएगा, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ। सन्द्री डेटर में चेंज हुआ है क्योंकि हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाया था कितने का, 7,200 रुपीज का, ये आपको माइनस करना होगा, माइनस करके 1,12,800 आएगा। इसके बाद स्टॉक में भी चेंज हुआ है, स्टॉक की वैल्यू अप्रिशिएट हुई थी, मतलब कि 50,000 इंक्रीज हुए थे, तो 1,90,000 अमाउंट आपको लिखना है। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हुई थी 15,000 से, तो 1,35,000 आपको फिक्स्ड एसेट में लिखना होगा। अब टोटल कर देना है, तो टोटल करके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारा इक्वल आएगा, 4,57,800 डेबिट साइड आएगा, 4,57,800 ही क्रेडिट साइड आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।